Now next one, previous session में जैसे मैंने cover किया था basic property of string class, means strings को create करने के total approach कितने थे? There are two way, using double quotes और using new keyword, दोनों मैंने difference आपको completely solve कराए थे, और इधर difference between creating object of string class using new keyword और using double quotes, जब भी आप string class का object new keyword के through create करते हैं, every time object create होता है inside heap memory, double quotes के case में object create हुआ था inside स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर सारे के सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स कैसे ऑल आर यूनिक और ऑब्जेक्ट विद यूनिक स्टेट, जबकि हीप मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते मे बी यूनिक और मे बी आइडेंटिकल्स। हीप मेमोरी के अंदर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल, जबकि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ओनली स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पॉसिबल व्हिच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग डबल कोट्स। जब भी स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डबल कोट्स के थ्रू क्रिएट करोगे देन इसका एलोकेशन किस प्लेस पर होगा? इनसाइड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। जब भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट होंगे देन एलोकेशन किस प्लेस पर होगा? इनसाइड हीप मेमोरी। मींस मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस केस में मैं जो भी आपको एग्जाम्पल सोल्व करा रहा हूँ प्लस इसके बाद रिमेनिंग जितने भी एग्जाम्पल सोल्व कराऊंगे सारे एग्जाम्पल आपके लिए तभी प्रॉपरली अच्छे से समझना पॉसिबल होगा अगर आपने प्रीवियस सेशन मेरा प्रॉपरली और कम्प्लीटली वॉच किया है। मीन्स प्रीवियस सेशन में जस्ट स्ट्रिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर देना आपके लिए एग्जाम्पल्स इजीली समझना पॉसिबल है, या फिर प्रीवियस कॉन्सेप्ट में प्रीवियस सेशन अगर आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है देन इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके सारे कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट वन, इस पर्टिकुलर केस में आप मीन्स प्रोवाइड किया सब मॉनिटर विंडोज प्लेस पर सारे सारे आउटपुट डिस्प्ले कराऊंगा प्लस इस केस में अभी तक आपने ओनली टू मेमोरी प्लेस क्रिएट किए थे स्टैक और हीप मेमोरी, लेकिन इस केस में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डबल कोट्स के थ्रू क्रिएट हो रहे हैं इसलिए टोटल थ्री मेमोरी प्लेस रिक्वायर्ड होंगे इस केस में, स्टैक, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एंड हीप मेमोरी। क्लियर? स्टैक, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एंड हीप मेमोरी। मीन सबसे पहले मैं इस केस में रिप्रेजेंट करवाएगा स्टैक, दिस इज द स्टैक एरिया, देन इसके लोअर साइड में रिप्रेजेंट करूंगा हीप मेमोरी, दिस इज द हीप एंड टॉप सेशन में डिस्कस करूंगा अबाउट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी और एससीपी। क्लियर? देन जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मैं सारे के सारे स्ट्रिंग में वन बाई वन एग्जीक्यूट कराऊंगा, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस ब्लॉक में एंटर होगा तो सबसे पहले टोटल फोर लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होंगे इनसाइड स्टैक एरिया S1, S2, S3 और S4, बिकॉज S1, S2, S3, S4 क्या है? रेफरेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स विच इज स्ट्रिंग टाइप। सारे के सारे लोकल वेरिएबल एक साथ में स्टैक मेमोरी में क्रिएट कराऊंगा, इसके जस्ट बाद जब S1 में इनिशियलाइज होगा तो इस पर्टिकुलर केस में क्रिएट क्या किया है? ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड के केस में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किस प्लेस पर होगा? इनसाइड हीप एरिया और इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, इनसाइड हीप एरिया। याद रखना इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, कंप्लीटली न्यू मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ इनसाइड हीप एरिया। वन मोर थिंग्स, देन एज्यूम करो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 100 है, इस केस में ऑब्जेक्ट के अंदर डबल कोट्स के थ्रू सप्लाई क्या किया है? ABC, तो डबल कोट्स इटसेल्फ अगेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। मीन्स फाइनली फर्स्ट केस में टोटल टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे न कि वन केस, वन ऑब्जेक्ट। स्पेशली याद रखना मैंने प्रीवियस केस में इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया था जस्ट बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन, इसे ऑलरेडी बताया था। मीन्स केवल इस केस में इस डबल कोट्स को आप कॉन्सेंट्रेट करो, डबल कोट्स के केस में डबल कोट्स इटसेल्फ क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। इस केस में डबल कोट्स के रिस्पेक्ट में ABC ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ? इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। अभी आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना? ओनली दैट पार्ट और दैट एरिया। इस केस में ABC, जैसे इस केस में बात करें S3, लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या S3, इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या ABC, तो ABC इटसेल्फ कहाँ क्रिएट होने वाला है? स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। सिमिलरली इस केस में ABC एज्यूम करो, ये ABC रेफरेंस में असाइन हुआ या कंस्ट्रक्टर में पास हुआ, डजेंट मैटर। जब भी डबल कोट्स के थ्रू कहीं भी स्ट्रिंग लिटरल को रिप्रेजेंट करोगे इस पर्टिकुलर लिटरल के रिस्पेक्ट में JBM ऑलवेज क्रिएट क्या करेगा? न्यू ऑब्जेक्ट इनसाइड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो डबल कोट्स के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा? इनसाइड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में मैंने डिस्कस किया था डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट ना होगी, पहले एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सर्च होता है। क्लियर? मीन्स अभी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में कोई भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड हो रहा विद कंटेंट्स ABC नहीं, तो इस केस में मीन्स ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है, इसलिए अगेन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में भी एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ प्लस इस ऑब्जेक्ट में स्टेट क्या असाइन हो रहा है? ABC।
एज्यूम कर लो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है समथिंग 200 प्लस 200 और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंस्ट्रक्टर में पास होगा। देन फाइनली जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू प्लस न्यू कीवर्ड के थ्रू अगेन स्ट्रिंग क्लास को अपडेट क्रिएट होगा, लेकिन न्यू के केस में न्यू अपडेट कहाँ क्रिएट होगा, इनसाइड हीप एरिया। प्लस हीप एरिया के अंदर अगेन इस ऑब्जेक्ट में कंटेंट्स के असाइन होंगे, आर्गुमेंट में क्या पास किया था ए बी सी। क्लियर मीन्स फाइनली इस प्रोसेस में टोटल टू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ मीन्स टू ऑब्जेक्ट सिंपली आपको इस केस में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट किसकी वजह से क्रिएट हो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू कीवर्ड, सेकेंड ऑब्जेक्ट किसकी वजह से क्रिएट हो जस्ट बिकॉज ऑफ डबल कोट्स, क्योंकि जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के टोटल टू अप्रोच है, यूजिंग न्यू कीवर्ड यूजिंग डबल कोट्स। तो डबल कोट्स के केस में ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ, इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। न्यू कीवर्ड के केस में ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ, इनसाइड हीप एरिया। देन ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, ए बी सी। इस पर्टिकुलर केस में न्यू कीवर्ड रिटर्न क्या करेगा, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस। न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ, हीप मेमोरी में उसका एड्रेस क्या है 100। तो फाइनली न्यू कीवर्ड इस प्रोसेस में रिटर्न क्या करेगा 100, और ये 100 कॉपी किस में हो जाएगा S1। जैसे ही S1 में 100 साइन होगा S1 इस लोकेशन को हीप मेमोरी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन स्पेशली याद रखना जो प्रीवियस मीन्स डबल कोट्स की वजह से जो ABC ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी में अवेलेबल तो है लेकिन इसका कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं, मीन्स किसी भी प्लेस पर इसका रेफरेंस स्टोर नहीं हुआ। क्लियर, इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसा है विच इज नॉट पॉइंटेड बाई एनी रेफरेंस वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेट में जब एग्जीक्यूट हुआ तो अगेन डबल कोट्स के थ्रू ABC पास किया, ABC पहले कहाँ क्रिएट हुआ, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल, जस्ट बिकॉज ऑफ डबल कोट्स। लेकिन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में ABC स्टेट वाला ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हों, यूनिक मीन्स सबसे पहले JVM एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए सर्च करेगा, अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विद सेम स्टेट फाउंड नहीं होता देन ओनली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी नीड होती है। तो इस केस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विद सेम कंटेंट अवेलेबल, इसलिए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। इस फर्स्ट प्रोसेस में कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए थे 2, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस में स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पुल में तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसलिए न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसलिए ओनली एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू कीवर्ड विच इज इनसाइड हीप मेमोरी। प्लस न्यू कीवर्ड के थ्रू जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कराते हैं तो इस केस में JVM हीप मेमोरी के अंदर पहले एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सर्च करता है, डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विदाउट सर्चिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो अगेन न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड हीप। इस न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से कंस्ट्रक्टर में सप्लाई क्या किया है ABC, इसलिए इसकी स्टेट क्या इनिशियलाइज होगी ABC। एड्रेस में एज्यूम कर रहा है 300। क्लियर, एंड फाइनली न्यू कीवर्ड से इस केस में रिटर्न क्या हुआ 300 इनसाइड S2। तो S2 में भी क्या आसान हो जाएगा 300, और S2 इटसेल्फ इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। मीन्स S1 और S2 दोनों ही किस लोकेशन को पॉइंट करें, हीप मेमोरी, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट किस प्लेस पर क्रिएट हुए, इनसाइड हीप मेमोरी। लेकिन अभी भी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल वाला ऑब्जेक्ट कहीं पॉइंट हो रहा है क्या, नहीं, इसके लिए कोई भी रेफरेंस वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वन, S1 और S2 जिन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट के स्टेट कैसे हैं, स्टेट मीन्स इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इनसाइड ऑब्जेक्ट और वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स, मीन्स इस ऑब्जेक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है दोनों ही ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन क्या है, ABC सेम इंफॉर्मेशन और डिफरेंट सेम इंफॉर्मेशन, इसलिए दोनों ही ऑब्जेक्ट कैसे हैं विद सेम स्टेट और विद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट विद सेम स्टेट। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी कैसा है, आइडेंटिटी मीन्स एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी क्या था 100, सेकेंड का क्या 300, दोनों के आइडेंटिटी कैसे हैं डिफरेंट लेकिन स्टेट कैसे हैं सेम। क्लियर, नेक्स्ट वन थर्ड केस में S3 के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जस्ट बाई यूजिंग डबल कोट्स, और डबल कोट्स के केस में JVM डायरेक्टली मीन्स JVM ऑब्जेक्ट किस प्लेस पर क्रिएट करेगा, इनसाइड हीप और इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल, इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी में डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सबसे पहले JVM सर्च क्या करेगा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, चेक करो ऐसा कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फाउंड हो रहा है जिसका स्टेट ABC से मैच हो रहा है, मीन्स ABC ऑलरेडी कैसा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो इस प्रोसेस में JVM न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट न करके JVM रिटर्न क्या करेगा एड्रेस और रेफरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में ABC वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या फाउंड हो रहा है 200, फाइनली 200 कॉपी किस में हो जाएगा S3 में। क्लियर, सपोज दैट अगर ABC एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं होता देन उसके इसमें क्रिएट क्या होता न्यू ऑब्जेक्ट, 200 किस में साइन हो रहा है S3। देन S3 किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल मेमोरी। नेक्स्ट वन S4, S4 के केस में भी ऑब्जेक्ट डबल कोट्स के थ्रू क्रिएट किया है विद स्टेट ABC। इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट सर्च का हुआ इनसाइड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल,
डायरेक्टली न्यू ऑब्जेक्ट किए नोगे पहले एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट सर्च होगा, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फाउंड हो रहा है इसलिए अगेन रिटर्न क्या हुआ एड्रेस और रेफरेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। अगेन इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है 200। चेक कर सकते हो हीप मेमोरी के अंदर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल हैं लेकिन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल के अंदर कभी भी डुप्लीकेट या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होते हैं। रिटर्न के ऊपर 200 आसान किस में जाएगा एस फोर में। फाइनली इस केस में एस फोर और एस थ्री टू डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल्स हैं लेकिन दोनों ही रेफरेंस वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट, जबकि एस वन और एस टू किसको पॉइंट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसे एस वन और एस टू का असाइनमेंट न्यू कीवर्ड से करा है इसलिए इस केस में दोनों केस में डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस अवेलेबल है, लेकिन एस थ्री और एस फोर का असाइनमेंट डबल कोट से कराया विद सेम स्टेट इसलिए दोनों केस में सेम ऑब्जेक्ट का एड्रेस फाउंड हो रहा है। क्लियर। इसे इस प्रोसेस में ओवरऑल देखा जाए तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए, फर्स्ट केस में कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए 2, सेकंड केस में 1, थर्ड केस में कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्या नहीं, फोर्थ केस में कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्या नहीं, ओवरऑल टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए 3, टोटल रेफरेंस वेरिएबल्स कितने क्रिएट हुए इस केस में 4। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने प्रोवाइड किया जस्ट कंपेरिजन। अगर आप प्रिंट एलन में एस वन पास करोगे एस वन का स्टेट प्रिंट हो जाएगा, एस वन का स्टेट क्या ए बी सी, एस टू पास करोगे देन प्रिंट क्या हो जाएगा एस टू का भी स्टेट क्या ए बी सी। याद रखना रेफरेंस वेरिएबल जब स्ट्रिंग क्लास के रेफरेंस प्रिंट एलन में पास करोगे मैं एड्रेस डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले क्या होगा स्टेट। इसका रीजन क्या है जस्ट मैं डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्लास और ड्यूरिंग टू स्ट्रिंग मेथड्स। नेक्स्ट वन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एस वन और एस टू क्या है वेरिएबल्स, तो एस वन और एस टू के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ एस वन एस टू। एस वन की बात करें तो मेमोरी के अंदर एस वन में क्या स्टोर है 100, इसलिए एस वन के प्लेस पर क्या स्टोर होगा 100। और मैं सिंपली नीचे राइट डाउन कर रहा हूँ एस वन के प्लेस पर क्या आएगा 100 इक्वल इक्वल एस टू के प्लेस पर क्या आएगा एस टू का वैल्यू और एस टू में क्या है 300। अगर जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल को इस टाइप से इक्वल इक्वल ऑपरेटर्स के थ्रू कंपेयर कराओ चेक कर सकते हो एस वन और एस टू में सेम स्टेट असाइन किया था डिफरेंट स्टेट सेम स्टेट, लेकिन जब भी आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर से कंपेरिजन करा हुए तो इसके इसमें ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में स्टेट कंपेयर हो रहा है या आइडेंटिटी, मीन्स एस वन का स्टेट क्या था एबीसी, एस और एस टू का भी स्टेट क्या है एबीसी, दोनों के स्टेट सेम लेकिन दोनों के आइडेंटिटी और एड्रेस कैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इक्वल इक्वल ऑपरेटर के केस में कंटेंट्स कंपेयर हो रहे हैं एड्रेसेस कंपेयर हो रहे हैं एड्रेस और रेफरेंसेस, मीन्स यहाँ परफॉर्म क्या हो रहा है रेफरेंस कंपेरिजन न कि स्टेट। और दोनों ही एस वन और एस टू दोनों ही रेफरेंस पर डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस को रिप्रेजेंट करें इसलिए कंपेरिजन भी किसका हो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस 100 इक्वल इक्वल 300। दोनों ही एड्रेस कैसे सेम और डिफरेंट डिफरेंट एस वन और एस टू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कौन पॉइंट करें इस केस में ऑब्वियसली दोनों के एड्रेस भी कैसे होंगे वो डिफरेंट, इसलिए इस केस में रिजल्ट क्या आएगा ट्रू और फॉल्स, मीन्स दोनों कंटेंट्स कैसे हैं डिफरेंट, यहाँ वैल्यू कंपेयर होंगे एड्रेस कंपेयर होगा एड्रेस दोनों कैसे हैं डिफरेंट, फाइनली इसका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। तो फर्स्ट केस में प्रिंट एलन मेथड से डिस्प्ले क्या हो जाएगा आउटपुट एज फॉल्स। क्लियर। सेकंड केस में कंपेरिजन किसका करा फर्स्ट केस में कंपेरिजन किसका हुआ था एस वन एंड एस टू, सेकंड केस में कंपेरिजन किसका हो रहा है एस थ्री एंड एस फोर। अगर रियल में एस थ्री और एस फोर सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो एस थ्री और एस फोर में अगर रियल में सेम एड्रेस स्टोर है तो इसके एस थ्री के प्लेस पर क्या आएगा एस थ्री का वैल्यू क्या है 200, एस फोर के अंदर वैल्यू क्या स्टोर है 200। मीन से एस थ्री और एस फोर दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं इसलिए कंपेरिजन जब किसका होगा मीन से इनडायरेक्टली सेम ऑब्जेक्ट कंपेयर हो रहे हैं, मीन 200 इटसेल्फ 200 से कंपेयर करो दोनों ही एड्रेस कैसे सेम सेम मीन्स ट्रू और फॉल्स ट्रू। जब न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा के अगर आप सेम स्टेट इनिशियलाइज करा जब भी इसके एड्रेसेस को कंपेयर कराओगे ऑलवेज रिजल्ट क्या मिलेगा फॉल्स, जबकि डबल कोट्स के केस में अगर सेम स्टेट इनिशियलाइज किया है तो दोनों रेफरेंस में एड्रेस भी कैसे होंगे सेम सेम एड्रेस है देन इसका रिजल्ट भी क्या है ट्रू और फॉल्स, सेकेंड केस में रिजल्ट क्या मिलेगा ट्रू। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग डबल कोट्स और यूजिंग न्यू कीवर्ड। नेक्स्ट वन, फर्स्ट केस में क्या आया फॉल्स, सेकंड केस में ट्रू, थर्ड केस कंपेयर करते हैं एस वन किसके थ्रू आसान हुआ है न्यू कीवर्ड के थ्रू और एस थ्री किसके थ्रू आसान हुआ है डबल कोट्स के थ्रू, सिंपली इससे मतलब नहीं एस वन के प्लेस पर रिप्लेस कराओगे एस वन का वैल्यू एस वन में क्या स्टोर है 100, एस थ्री के प्लेस पर रिप्लेस कराएं एस थ्री का वैल्यू एस थ्री में क्या स्टोर है 200। क्लियर।
100 और 200 दोनों वैल्यू सेम है, मींस दोनों एड्रेस सेम है डिफरेंट। अगेन फिर से याद रखना, जब भी आप इक्वल इक्वल ऑपरेटर से कंपैरिजन कराते हो तो इस केस में कंपैरिजन किसका हो रहा है, वैल्यूज का और एड्रेसेस का। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया हो रहा है, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आइडेंटिटी मीन्स एड्रेसेस। और टू डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस ऑलवेज डिफरेंट होते हैं, इसलिए कभी भी आपको ट्रू मिलने के चांसेस नहीं, ऑलवेज क्या मिलेगा फॉल्स। इस केस में क्या आएगा, अगेन फॉल्स। थर्ड प्रिंटलाइन से भी क्या डिस्प्ले हो जाएगा, मैसेज एज फॉल्स। नेक्स्ट वन फोर्थ केस, प्रीवियस थ्री केसेस मैंने कंपैरिजन किसके थ्रू कराया, यूजिंग इक्वल इक्वल ऑपरेटर। और इक्वल इक्वल ऑपरेटर कंपैरिजन मींस रेफरेंस और एड्रेस कंपैरिजन। लेकिन रिमेनिंग थ्री केसेस मैंने कंपैरिजन परफॉर्म कराया यूजिंग इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड किसके थ्रू कॉल हो रहा है, यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। तो इसका मतलब मेंबर किसका है, स्ट्रिंग क्लास। मीन्स स्ट्रिंग क्लास के अंदर स्ट्रिंग ने सेपरेटली प्रीडिफाइंड मेथड प्रोवाइड किया इक्वल्स मेथड। इस इक्वल्स मेथड को प्रोवाइड करने का मेन पर्पज क्या था, जस्ट आपने प्रीवियस केस में जब इक्वल इक्वल ऑपरेटर के थ्रू कंपैरिजन कराया तो कंपैरिजन किसका हुआ था, एड्रेस का। लेकिन मेन पर्पज क्या था, ऑब्जेक्ट के एड्रेस कंपेयर कराना, स्टेट कंपेयर करना। आपके लिए मीनिंगफुल कंपैरिजन कौन सा, स्टेट कंपैरिजन और एड्रेस कंपैरिजन, स्टेट कंपैरिजन। तो अगर आपको स्टेट कंपेयर करना है, स्टेट मीन्स वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर, देन आप यूज करोगे इक्वल्स मेथड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड इक्वल इक्वल ऑपरेटर। इक्वल इक्वल ऑपरेटर से हमेशा एड्रेस और रेफरेंस कंपेयर होंगे, और इक्वल्स मेथड से हमेशा कंपेरिजन किसका होगा, स्टेट और वी कैन से वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुआ है उस वैल्यू का कंपेरिजन परफॉर्म हो रहा है। तो इस केस में राइट डाउन क्या किया, हमें एस वन का स्टेट कंपेयर किससे होगा, एस टू के स्टेट से। एस वन के रिस्पेक्ट मत करें, तो एस वन जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करे उस ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, ए बी सी। एस टू जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा है उस ऑब्जेक्ट का भी स्टेट क्या है, ऑल्सो ए बी सी। तो इस केस में आपको जस्ट चेक क्या करना है, स्टेट। और दोनों ही ऑब्जेक्ट के केस में एस वन और एस टू के आइडेंटिटी क्या है, 100 और 200। लेकिन दोनों के स्टेट क्या है, ए बी सी, ए बी सी। मीन सेम और डिफरेंट, सेम। तो इस केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। इस प्लेस पर रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। मीन्स इक्वल्स ऑपरेटर हमेशा स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में वैल्यूज को कंपेयर करता है, और इक्वल इक्वल ऑपरेटर हमेशा एड्रेसेस को कंपेयर करेगा। तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, ट्रू। जब भी आपको स्टेट कंपेरिजन रिक्वायर्ड है, ऑलवेज कंपेरिजन किसके थ्रू करा हुआ, इक्वल्स मेथड के थ्रू। और जब भी आपको एड्रेस कंपेयर कराना, देन कंपेरिजन किसके थ्रू कराएंगे, यूजिंग इक्वल इक्वल ऑपरेटर। फाइनली फोर्थ केस में क्या डिस्प्ले हुआ, ट्रू। एस थ्री डॉट इक्वल्स एस फोर, एस थ्री के केस में बात करें तो एस थ्री में क्या है, 200, एस फोर में क्या है, 200। तो इस केस में भी अगेन दोनों के, इस पर्टिकुलर केस में बात करें तो इसके स्टेट भी सेम थे और आइडेंटिटी भी सेम है। इस केस में आपको क्या मिलेगा, ट्रू, अगेन ट्रू। तो लास्ट मीन्स फिफ्थ केस में भी क्या डिस्प्ले हो रहा है, अगेन मैसेज एज ट्रू। नेक्स्ट वन, इस पर्टिकुलर केस मत कहें एस वन डॉट इक्वल्स एस थ्री, जब एस वन और एस थ्री को इक्वल इक्वल ऑपरेटर से कंपेयर कराया था तो कंपेरिजन किसका हुआ, एड्रेसेस का। और एड्रेस दोनों के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस अवेलेबल थे, एस वन में क्या 100 और एस थ्री में क्या 200, इसलिए रिजल्ट क्या मतलब फॉल्स। लेकिन इक्वल्स मेथड एड्रेसेस को कंपेयर करेगा कंटेंट्स को, कंटेंट्स को। एस वन की बात करें तो एस वन के अंदर कंटेंट्स क्या है, एस वन जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट्स क्या है, ए बी सी कंटेंट्स, और वी कैन से स्टेट और वैल्यू। प्लस ए बी सी कंपेयर किससे हो रहा है, एस थ्री के कंटेंट से। एस थ्री जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका भी स्टेट क्या है, ऑल्सो ए बी सी। तो फाइनली यहाँ कंपेरिजन किसका हो रहा है, स्टेट का। दोनों ही रेफरेंस सेम स्टेट को रिप्रेजेंट करें, ए बी सी, ए बी सी। मीन्स रिजल्ट क्या मिलेगा इस केस में, ट्रू और फॉल्स, अगेन ट्रू। फाइनली इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। क्लियर, दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन प्रोग्राम। नेक्स्ट सेशन में अगेन इससे रिलेटेड अगेन मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा।